इसराइल के साथ हिजबुल्ला की अब भीषण जंग चल रही है। एक तरफ जहां पर वो इजरायली फौज को लेबनान के भीतर घुसने से रोक रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो लगातार इजरायल के भीतर भी हमले कर रहा है। हिजबुल्ला ने अभी तक इजरायल के कई सैनिकों और हथियारों को ठिकाने लगा दिया है। हिजबुल्ला के हमलों में अब इजरायल को काफी जानमाल का नुकसान भी हो रहा है और नसरल्ला की गैर मौजूदगी से भी उसका हौसला कम नहीं हुआ। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने IDF को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। दरअसल हिजबुल्ला का कहना है कि उसने इजरायल के दो हर्मीज 450 ड्रोन और IDF के चार वाहनों को एक बार में ही निपटा दिया। हिजबुल्ला के मुताबिक 15-16 अक्टूबर 2024 की आधी रात को करीब 12:30 पर उसने इजरायल के दो हर्मीज 450 ड्रोन को मार गिराया। ये दोनों ही ड्रोन लेबनान के शहरों और गांवों की जासूसी कर रहे थे। हिजबुल्ला के मुताबिक उसने तेल अविव के उपनगरीय इलाके में कादर 2 मिसाइल फायर की है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे हिजबुल्ला पहले तो तेल अविव में अपने टारगेट्स को चिन्हित करता है और उसके बाद हरियाली के बीच एक बहुत बड़ी मिसाइल को लॉन्चर से फायर कर दिया जाता है और हिजबुल्ला का एक दूसरा लड़ाका इस मिसाइल की लैपटॉप से मॉनिटरिंग करता है और जैसे ही ये मिसाइल तेल अविव में घुसती है, वैसे ही वहां हवाई हमलों के सायरन बजने लगते हैं, जिसके डर से कई लोग सड़क किनारे ही बैठ जाते हैं। आपको बता दें कि हिजबुल्ला ने इस वीडियो के अलावा एक और वीडियो जारी किया है, जो 14 अक्टूबर को कारमेल सेटलमेंट हमले का है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे हिजबुल्ला के लड़ाके हरियाली के बीच एक बड़े लॉन्चर से इजरायल की तरफ रॉकेटों का एक पूरा जत्था फायर करते हैं, जिसके बाद ये रॉकेट इजरायल की सड़कों पर जा गिरते हैं। इस सब के बीच हिजबुल्ला के लड़ाकों ने अल बगदादी साइट पर IDF के जवानों पर रॉकेटों का एक पूरा जत्था फायर किया। हिजबुल्ला का ये भी दावा है कि उसने तड़के करीब 1 बजे अल मर्ज साइट पर भी जब इजरायली सैनिक इकट्ठा हो रहे थे, तब उनके ऊपर कई राउंड रॉकेट बरसाए। और इस हमले के बाद अल सिद्दाना और बिरकत अल नकार में हिजबुल्ला ने IDF पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। हिजबुल्ला के मुताबिक उसने खालत वर्दे में भी रॉकेटों की बौछार कर दी और सुबह होते होते करीब 4:30 पर अलमर्ज साइट पर फिर से IDF के जमावड़े पर हमला किया। हिजबुल्ला का ये भी दावा है कि उसने खालत अल फरशाद साइट पर भी इजरायली सैनिकों के जमावड़े पर जमकर रॉकेट और गोला बारूद बरसाया है और इसके बाद किरियत शमोना सेटलमेंट पर रॉकेट हमलों की झड़ी लगा दी। और इसके बाद जब IDF की बटालियन ने रुबल 3 के पूर्व में घुसने की कोशिश की, तो हिजबुल्ला के लड़ाकों ने उसके ऊपर मशीन गन और रॉकेटों से हमला कर दिया।